तो दोस्त आज ये एक मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ कि डेस्कटॉप सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट में जॉब मिलती कितने दिन में है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं ना कि सर मैंने 6 महीने किया, 1 साल किया, मुझे जॉब नहीं मिली, उसी पे आज बात करते हैं। तो दोस्त मैं बता दूँ आपको, डेस्कटॉप सपोर्ट की जॉब सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में मिल सकती है। जी हाँ, ये सच है। और मैं बता दूँ डेस्कटॉप सपोर्ट की जॉब आपको MNC में मिल सकती है सिर्फ 15 दिन में। वो पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या देखते हैं, जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, सबसे बड़ी चीज़। अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर को जॉब हमेशा बहुत, डेस्कटॉप सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रेशर्स के लिए बहुत जॉब है, आज भी बहुत जॉब है और कल भी बहुत जॉब्स थी। अगर आप इंटरव्यू के टाइम पे अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहे हो, आप कितना भी पढ़ लो, लिनक्स, विंडोज़, अजूरे, AWS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ भी काम नहीं आने वाला जब तक आप इंटरव्यू में अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हो। अगर नहीं पता है, सर आई डोंट हैव आइडिया अबाउट दैट, ऐसे बोल दो, लेकिन उसको घुमाओ नहीं, एक कॉन्फिडेंस में डरो नहीं। अरे इंटरव्यूअर है, हुआ नहीं है, खा नहीं जाएगा वो, अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ। अगर वो बोलता है कि यू आर कम्फर्टेबल विद वर्किंग इन नाइट शिफ्ट, बोल दो हाँ, अगर जॉब नहीं है तो, क्योंकि इस टाइम जॉब्स मार्केट में कोविड के तरीके अगर देखा जाए तो ज़रूर कम है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर ये बोल दो कि जॉब्स हैं ही नहीं तो आप गलत हो, जॉब्स आज भी मार्केट में बहुत हैं। मैंने गूगल से पढ़ लो, डेस्कटॉप सपोर्ट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर, 50-60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सिर्फ ऑन स्पॉट जॉब दिला सकते हैं, सिर्फ वही पूछे जाएंगे, वही आपको मिलते हैं। जो टेक्निकल सपोर्ट आप बोलते हो, डेस्कटॉप सपोर्ट बोलते हो ना, 100% 15 दिन में जॉब मिल सकती है। और मैं बता दूँ, होता है 5 साल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो या 10 साल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, वो कभी भी कंपनी स्विच करता है तो उस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर सीखने में उसे कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो क्या आप, अगर उसे 15 से 20 दिन वो कंपनी दे रही है एक्सपीरियंस कैंडिडेट को, क्या आप फ्रेशर हो, आपको क्या वो 1 महीने नहीं देगी? 100% देगी। बट इंटरव्यू क्रैक करो, इंटरव्यू निकालो, पहले ट्राई करो, कोशिश करो। तो डेली रिज्यूमे अपडेट करो, चाहे उसमें एक डॉट हटाओ, एक डॉट लगाओ, एक डॉट हटाओ, कुछ टेक्नोलॉजी चेंज करो, कुछ ये चेंज करो, वो लाइन तो वो चेंज करो। दिन में 4 बार 10 बार रिज्यूमे अपडेट करो जब जॉब नहीं है। और अगर आपकी पहली जॉब है तो किसी भी तरीके की हो आप कर लो, आपके प्रोफाइल की होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आपका इंटरेस्ट डेस्कटॉप सपोर्ट में, टेक्निकल सपोर्ट में, अगर आपको जॉब मिली कॉल सेंटर में तो वो कर लो, मैं इसके लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको। अगर आपको लगता है कि जैसे आपको करना है डेस्कटॉप सपोर्ट में, पहले अपने आप से फ्रेशर का टैग हटाओ, फ्रेशर का टैग हटाओगे इसके बाद ही जॉब मिलेगी आपको, इसके बाद ही आपको चांस मिलते हैं और आगे मूव होने के लिए। और अगर आपने BTech वगैरह कर रखा है, MTech कर रखा है या कोई बड़ी डिग्री ले रखी है और आप सोच रहे हो नहीं मैंने BTech करा है तो मुझे स्टार्टिंग जॉब 20 या 25 या 30 की मिले, तो इस टाइम तो बहुत मुश्किल है मेरे भाई, इस टाइम ये सच है, इस टाइम बहुत मुश्किल है मेरे भाई। तो अगर आपने BTech भी किया, MTech भी करा, 15-16 से भी जॉब मिल रही है ना, मैं बोल रहा हूँ अगर 12 भी इनहैंड सैलरी मिल रही है इस टाइम, तो करो, आप उसे ज्वाइन करो, सीखो, फ्रेशर का टैग हटाओ अपने से। और आने वाले 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद कंपनी स्विच मार दो यार, लगातार 3 कंपनी स्विच मार दो, 3 साल में आपको 30% हाइक हो गया। आपने 15 से ज्वाइन किया, ठीक है, और 3 साल तक लगातार 3 कंपनी स्विच मार दो, 30-30% हाइक हो गया, आप सैलरी के वैसे 25-30 के आसपास पहुंच जाओगे। और आपने उस 3 साल में अगर अच्छे से पढ़ाई कर ली, कहीं लिनक्स वगैरह, क्लाउड वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपका डायरेक्ट पैकेज उस 4-5 में जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना क्योंकि इस पर ऐसे ही वीडियोस आते रहते हैं बहुत ज़्यादा। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।